नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से रिस्क सेंटिमेंट मजबूत हुआ है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। M6 पर सोने के दाम 48,000 के करीब है। चांदी में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली से कीमतों पर दबाव बना हुआ है, लेकिन आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी, हाजिर बाजार में सोने की डिमांड कैसी आ रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC TV18 ने कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, एब्जॉर्ड के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती और HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल है। इस वक्त का कारोबार अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड आप देखिए 48,020 पर ट्रेड कर रहा है, 138 रुपए नीचे है। वहीं सिल्वर में भी आज के सेशन में हमने आधा पर्सेंट की वीकनेस देखी और ये एग्जैक्टली 39,000 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक ले लेते हैं गोल्ड पर। तपन, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप बताइए, इन लेवल से 300-400 रुपए नीचे तक जाने की बातचीत हो रही है, तो क्या यहां पर भी अगर पोजीशन बनानी हो तो बेचकर चलना चाहिए छोटे मुनाफे के लिए? क्या आउटलुक एग्जैक्टली लेवल्स पर करना क्या चाहिए? जी गुड मॉर्निंग दीपाली, मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन फेज है गोल्ड प्राइस के लिए और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में गोल्ड में और भी करेक्शन आ सकता है। लेवल्स की बात करें तो स्पॉट मार्केट जो कॉमिक्स में है उसमें 1760 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल, वो वहां तक प्राइसेज हम देख सकते हैं। अगर उसके नीचे ट्रेड हुआ तो 1740 के लेवल तक हम प्राइस को देख सकते हैं। अगर M6 के लेवल की बात करें तो डेफिनेटली 300-400 पॉइंट्स की गिरावट यहां से देखी जा सकती है। 47900 एक सपोर्ट है, उसके बिलो अगर जाते हैं प्राइसेज तो 47600 तक प्राइस जा सकते हैं। दूसरा जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस को प्रेशर कर सकते हैं, वो एक है कि रुपी में हम लगातार दूसरे दिन आज स्ट्रांग ट्रेड दिख रहे हैं, तो उसका एक प्रेशर है। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी जो रेजिस्टेंस था 1790 वहां से करेक्शन आ रहा है, तो वो एक है। और 2 दिन में जो US और चाइना की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव थे, तो उसका प्रेशर हमने गोल्ड प्राइस के ऊपर दिखा है। तो अगर ट्रेड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 48150 के अराउंड M6 अगस्त में सेलिंग करनी चाहिए, 47900 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 48330 के ऊपर मेंटेन करके गोल्ड में काम कर सकते हैं। कुछ बिकवाली की राय यहां पर देखने को मिल सकती है, 47900 तक के सपोर्ट लेवल्स यहां पर बनेंगे। इसके अलावा क्रूड पर एक नजर डाल लेते हैं, वीकनेस है यहां पर और ये 0.1% के आसपास नीचे कारोबार कर रहा है। 15 जुलाई को जो ओपेक की बैठक होनी है उस पर तो नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो इन्वेंट्री घटी है अमेरिका में उसे एक सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन डिमांड कंसर्न्स अभी भी हैं। तपन, क्रूड पर क्या करना चाहिए, क्या आउटलुक है? रेंज में ही काफी समय से फंसा हुआ है, अभी 3,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या करें लेवल्स पर? जी क्रूड ऑयल की बात करें तो आई थिंक WTI क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $40 के ऊपर सस्टेन में काफी उसको दिक्कत हो रही है, तो उसके हिसाब से जॉब सेट है वो लिमिटेड रही है। दूसरे जो ओवरऑल जो फैक्टर्स है जो मिक्स फैक्टर है, क्योंकि एक तरफ डिमांड के कंसर्न्स है क्योंकि वायरस केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली US की बात करें तो लगातार 3 दिन में 50,000 के केसेस की रजिस्ट्री हुई है, तो वो एक कंसर्न है डिमांड रिकवरी के लिए। और दूसरा जो है जो सपोर्ट कर रहा है प्राइस को फर्म रेंज के लिए, तो वो है कि US की इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, प्लस डेटा जो पॉजिटिव आ रहे हैं और ओपेक प्लस के जो आउटपुट कट्स के जो इफेक्ट है वो एक स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस में अभी फिलहाल 36 से 40 की डॉलर की रेंज जो है वो बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि $40 के ऊपर जो ट्रेड होगा तो ही प्राइस में स्ट्रांग रैली वापस जा सकती है $48 तक। अगर M6 के लेवल की बात करें तो 3160 के जो लेवल है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो 3400 के लेवल हमको M6 में दिख सकते हैं। सपोर्ट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है 2780 का मेंटेन होना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए। मेटल्स की भी अब यहां पर बात करेंगे, क्योंकि हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है। जो डेटा आए हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि US का नॉन फार्म पेरोल डेटा काफी पॉजिटिव था। इस हफ्ते हमने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी काफी बेहतर आते हुए देखे हैं, लेकिन जो ये कोरोना वायरस के केसेज हैं US में जो बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसका क्लियरली असर हमने यहां पर प्राइसेज में आते हुए देखा है। और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस हफ्ते में देने के बाद आज यहां पर कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तपन, यहां पर अब क्या क्यूज हैं, क्या ऊपरी स्तर पर आप भी यही राय देंगे कि मुनाफा वसूली करके निकल जाना चाहिए? जी स्पेशली कॉपर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहां से एक करेक्शन आ सकता है, तो अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल से मुझे डाउनसाइड में 456 के लेवल कॉपर में आते हुए लग रहा है, तो वहां तक करेक्शन लग रहा है, वहां से वापस से बाइंग आ सकती है। तो बेस मेटल्स ओवरऑल करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेडी रिकवरी डेफिनेटली आने वाले महीनों में हमको देखने को मिलेगी। स्पेशली कॉपर 465 के जो लेवल है कॉपर के, वो अगर ब्रेक होते हैं तो 480 के लेवल हमको आते हुए दिख सकते हैं।
और अगर ट्रेड की बात करें तो मुझे लग रहा है निकल शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रांग ट्रेड है, बिकॉज चाइना में जो स्टेनलेस स्टील की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, तो उसका दबाव प्राइस उसका सपोर्ट प्राइस को मिल रहा है। तो निकल में 975 के लेवल से बाइंग की जा सकती है, 990 का टारगेट रहेगा और 968 का स्टॉपलॉस मेंटेन करके निकल में बाइंग की जा सकती है। तो 990 के टारगेट के साथ निकल में खरीदारी कर सकते हैं। और आज अगर आप तमाम बेस मेटल्स को देखेंगे भी तो निकल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। अदरवाइज कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग है, एल्युमिनियम भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेड में भी 1/4% नीचे कारोबार हो रहा है, आपको देखने की जरूरत भी है। लेकिन एक और चीज जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं वो है रुपया, क्योंकि हमने 3 महीने के हाईस पर इसे बनते हुए देखा है। 7480 के आसपास यहां पर रुपया खुला ही था। नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आया है, सेफ हेवन खरीदारी अब डॉलर में नहीं है। एशियन करेंसीज में आज यहां पर बढ़त देखने को मिली है, जिसका फायदा रुपए में भी है। और भी हल्की सी बढ़त अब यहां पर आपकी स्क्रीन पर। तपन, यहां पर फ्यूचर्स में क्या ट्रेंड्स हैं और यहां से आप किस तरह के स्तर आप देखते हैं? जी, रुपए की बात करें, मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है और भी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि टेक्निकली भी ब्रेकडाउन आया है चार्ट्स पे और जो फंडामेंटल्स है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो 7410 7420 के लिए सपोर्ट रेंज है, वहां तक रुपया हम जाता हुआ देख सकते हैं। अगर अपसाइड की बात करें यूएसडी एनआर में, तो मुझे लग रहा है कि 75.10 का जो रेजिस्टेंस है यूएसडी एनआर का वो मेंटेन रहेगा। और जो सपोर्टिव फैक्टर्स है वो है कि शायद आरबीआई ने भी आगे डॉलर बाइंग का जो विचार है वो रद्द कर दिया है, तो उसका एक सपोर्ट प्राइस में, और इन्फ्लोस भी बढ़ रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में, तो उसका सपोर्ट रुपये को फिलहाल मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ जो है रुपये की वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ये रुपए पर व्यू आपको मिला है। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया वंदना और तपन आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत, लेकिन तक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की जो